कांग्रेस नेता संतोषी डहरिया के मंदिर की जमीन पर मंगल भवन निर्माण को लेकर भाजपा ने रोक लगा दी। भाजपा ने निर्माण को अवैध बताया है तो कांग्रेस जिला सदस्य ने भाजपा पर जमीन के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया। परासी जिले के भाजीपानी ग्राम पंचायत में मंदिर की जमीन पर मंगल भवन के निर्माण को लेकर भाजपा कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले को जन्म दे दिया है। कांग्रेस के जिला सदस्य संतोषी डहरिया ने भाजपा पूर्व सरपंच के ऊपर जमीन के भट्टे को लेकर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, लेकिन भाजपा पूर्व सरपंच मनीष सोनू यादव ने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी आरोप गलत हैं। जिस तारीख से मैंने मंगल भवन का विरोध किया संतोषी डहरिया की जनप्रतिनिधि से, उस दिन से ही संतोषी डहरिया के द्वारा मुझे मानसिक शारीरिक और राजनीतिक छवि खराब करने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके एवज में हमने एक आवेदन यहाँ एसडीएम न्यायालय में दिया है और उन्हीं के द्वारा जो आवेदन चौकी में दिया गया है उसी की वास्तविकता की जाँच करा करके जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने के निवेदन किया गया है और हमें स्पष्ट है कि एसडीएम साहब हमारा संज्ञान लेंगे। मंदिर समिति के सदस्य राखी उइके ने कहा कि मंदिर की जमीन पर मंगल भवन का जो निर्माण हो रहा है इससे हमारी आस्था को गहरी ठेस पहुंच रही है जिसका हम विरोध करते हैं। और हमें ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं ऊपर तक की जाए और हमें किसी प्रकार का मिनी मंगल भवन ना किया जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।